असल डेयर स्टूडेंट सो वेलकम टू स्टाजिज़ डॉट कॉम और बग़ैर किसी तखिर के बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ सो so, जैसा कि आप सबको मालूम है उर्दू फर्स्ट ईयर गुलजार उर्दू लाजमी के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है और आज इन शह लेक्चर नंबर वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बढ़ते हैं लेक्चर नंबर वन की तरफ आज का जो लेक्चर है हमारा उसका नाम कौमी इतफाक़ है चैप्टर नंबर वन है गुलजार उर्दू किताब का जिसके मुसनिफ़ सर सैद अहमद खान साहब हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं याद रखने के नुक़ात तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें या मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ कोई भी तो उसमें ये चार बातें जो अहम होती हैं इम्तानी एम सी क्यूज़ या इम्तहानी सवाला के लिहाज से तो उसे हम ज़रूर हाई लाइट करते हैं यहाँ पर सबक का नाम उसके मुसनफ़ का नाम उसके माखूज़ का नाम और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसको हम सिनफ़ कहते हैं सबक हमारा है कौमी इतफाक़ और उसके मुसनफ़ का नाम है सर सैद अहमद ख़ान साहब और ये चैप्टर माखूज है मक़ालत सर सैद से और इसकी सिनफ़ है मजमून ये चार बातें आपने हर चैप्टर के बारे में याद रखनी है एम सी क्यूज़ में बहुत सारे सवाल इन्हीं इसी मलूम से जो है वो आपको लिखने पड़ते हैं आगे बढ़ते हैं अहम इम्तनी सवाल यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें से पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं नंबर वन कसरी सवाल जिसको हम एम सी क्यूज़ कहते हैं तो कसरी सवालत के लिए बेटा तमाम चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो तमाम चैप्टर्स आपने तैयार करने लें और इन शाला हम भी इसको हल करेंगे नंबर टू इबारत की तशरी इबारत की तशरी के लिहाज से ये सवाल ये, ये चैप्टर जो है पूरा यानी कौमी इतफाक़ इसकी तमाम जो इबारत होंगी जिसे हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे इंतहाई ज़रूरी होती हैं और पेपर में इन से कोई ना कोई एक इबारत लाजमी आती है और नंबर तीन पर है मशकी सवालात इसके जो मशकी सवालत हैं जैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर कहते हैं पेपर में इसका एक सवाल आता है लेकिन जो वो ऑप्शनल होता है या तो आप खुलासे करते हैं या फिर आप मशकी सवालत की तरफ जाते हैं तो उमूम जो हमारा तजर्बा है स्टूडेंट्स के साथ तो वो यही है कि बच्चे अमूमन ख़ुलासे वाले सवाल ही को तरजीह देते हैं और मशकी सवाल जवाब यानी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर को नहीं करते लेकिन हम यहाँ पर उसको भी सॉल्व करेंगे इन ताकि अगर कोई स्टूडेंट मशकी सवाल और जवाब को करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर उसका सॉल्यूशन ज़रूर मौजूद हो तो आगे बढ़ते हैं आ, इबारात की तशरी माँ सबका इम्तहानी इबारत का जायज़ा तो हम तमाम इस चैप्टर की जो इबारात है, इन उसको तफ़ी उसका सोलूशन देखेंगे और जो सबका इम्तहानी इबारत हैं यानी जो पेपर में आ चुकी हैं उनको भी ज़रा देखेंगे कि वो कौन कौन सी इबारतें हैं तो शुरू करते हैं इबारत नंबर एक इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का वो चीन का बाशिंदा है या माचीन का पंजाब में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में वो काले रंग का है या गोरे रंग का बल्कि जिस किसी ने अलआतलवस्ख़ा यानी तोहद की रस्सी कलमा तोहद को मुस्तकम किया वो एक कौम हो गया यहाँ पर मेरी पिक्चर ज़रूर हरी होगी लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि जब भी आप पढ़ें तो अपने पास जो बुक है वो लाजमी रखें ताकि मुकम्मल जो इवारत वगैरह है या और उसके को सबाक है वो आपके सामने रहे। तो अब यहाँ पर सर सैद अहमद ख़ान साहब जो चैप्टर का आगाज़ किया वो उन्होंने कौम की तारीफ़ से किया कदीम तारीफ़ जदीद तारीफ दोनों का जिक्र किया कदीम जो नज़रिया था उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो जो मगरबी ममालिक हैं उनका था और उसने दुनिया में बड़ी आफात और जंगों को जन्म दिया और उसकी जो बुनियाद थी वो दुनियावी असूल और जवाबित पर रखी गई थी यानी दुनियावी रिश्ते नाते और दुनियावी जो नस्बतें होती हैं उस पर कौमियत के उस रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी जबकि जो दूसरा नज़रिया है जो इस्लाम ने पेश किया है जो जदीद है वो ऐसा नज़रिया है कि जिसने एक शख्स को दूसरे शख्स का भाई बना दिया ख्वाह उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी इलाके से हो दुनिया की किसी भी कौम से हो किसी भी रंग से हो नस्ल से हो जबान से हो कबीले से हो वो उस दूसरे शख्स का भाई बन गया और अब उसका जीना उसका मरना अपने भाई के साथ होगा और जिस तरह वो अपने सगे भाइयों के साथ ट्रीट करता है बिल्कुल उसी तरीके से वो इस कौम के दूसरे फ़र्द के साथ ट्रीट करेगा उसका दुख इसका दुख होगा उसका दर्द इसका दुख इसका हो इसका दर्द होगा तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद सर सैद अहमद ख़ान साहब ने, ने यहाँ पर इस्लाम के उस कौमियत के नज़रिए को मज़ीद वाजे किया है कि इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक यानी वो किसी किस्म का कोई कबीला कोई ग्रोह उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता कि इस्लाम में दाखिल होने वाला जो शख्स है वो तुर्क है ताजिक है या दुनिया के किस कबीले से बिलोंग करता है इसकी इस्लाम में कोई अहमियत नहीं वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का ख़ते से वो बिलोंग करता है इस्लाम में इसकी भी कोई अहमियत नहीं है दुनिया के किसी भी ख़ते से कोई भी शख्स बिलोंग करता हो इस्लाम उसको तमाम अपने मानने वाले तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखता है वो चीन का बाशिंदा है या चीन का वो पंजाब में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में वो काले रंग का है या गोरे रंग का यानी उसकी उसकी रंगत क्या है ये है इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है इसी तरीके से आ, वो आ, किस ख़ानदान कबीले कौम से बिलोंग करता है इस्लाम में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है बल्कि जिस किसी ने अरवतुलवस्ख़ा यानी तोहेद की रस्सी कलमा तोहद को मुस्तकम किया वो एक कौम बन गया तो इस मजहब में या इस कौमीत के नज़रिए में आ, रंग नसल जबान ये इसकी कोई अहमियत नहीं है बल्कि जो कोई भी कलमा तोहद को यानी अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लेकर आता है और इसको मजबूत करता है वही इस कौम का एक सच्चा फ़र्द जो है वो या एक सच्चा मेंबर जो है वो बन जाता है और एक शख्स दूसरे शख़्स का भाई बन जाता है और यही तालीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुदब खुदब हजतल से भी मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौर पर इरशाद फरमा दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़जीलत नहीं कोई फोकियत नहीं और कुरान पाक भी इस्लाम के इसी नज़रिए को बयान करता है कि अल्लाह के नज़दीक आ, किसी शख्स की कोई अहमियत नहीं कोई फोकियत नहीं सिवाय तकवा के जो तकवा हो जो मुतकी होगा तकवे वाला होगा उसकी तो अहमियत होगी उसका तो दर्जा होगा लेकिन इसके अलावा इस्लाम में और कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी शख्स को किसी दूसरे शख़्स से ज़्यादा दर्जा दिया जाए या उस पर कोई किसी किस्म की फोकियत दी जाए तमाम मुसलमान अल्लाह पाक की नज़र में बराबर हैं तो यहाँ पर सर सैद अहमद ख़ान साहब ने बुनियादी तौर पर इस्लाम के उस नज़रिए को उजागर किया है कि जो एक शख्स को दूसरे शख्स के के बर, बराबर का स्टेटस देता है बराबरी का दर्जा देता है जिसके अंदर हमें मसावत नज़र आती है जिसमें हमें भाईचारा नज़र आता है जिसमें अख़ोत नज़र आती है जिसमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सच्चा भाई बन जाता है और उसके लिए वही कुछ सोचता है वही कुछ करता है वही कुछ पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है तो इसी नज़रिए को यहाँ पर सर सैद अहमद ख़ान साहब ने उजागर करने की कोशिश की है इबारत नंबर एक